দিল্লি জল বোর্ডের বৃহৎ কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে দিল্লি কাঁপালেন বিজেপির নেতারা। তারা বলেন, দিল্লি সরকারের অনেক মন্ত্রী জল বোর্ডের কেলেঙ্কারিতে জড়িত। বিভিন্ন খাতে খরচ দেখিয়ে প্রায় 500 কোটি টাকা লুটে পুটে খেয়েছে কেজরিওয়াল সরকার। তদন্তের দাবিতে আজ প্রতিবাদে নামেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। দিল্লি প্রদেশ ভারতীয় জনতা পার্টি की ओर से आज दिल्ली जल बोर्ड के हेडक्वार्टर पर विशाल प्रदर्शन किया गया है, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि आखिर घोटाला क्या है। 1 जुलाई 2022 को दिल्ली जल बोर्ड की बैठक हुई। उस बैठक की अध्यक्षता उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जल बोर्ड के चेयरमैन श्री मनीष सिसोदिया ने की, और उस बोर्ड की बैठक में डिप्टी चेयरमैन सौरभ भारद्वाज उपस्थित थे, जो आज दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, और इनके 2 विधायक उस बोर्ड की बैठक में उपस्थित थे। 1 जुलाई 2022 को जो ठेका 1538 करोड़ रुपया में दिया जा रहा था, उसकी राशि बढ़ाकर 1950 करोड़ रुपया कर दी गई। और जस्टिफिकेशन क्या दिया गया कि स्टील और सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं, जबकि जो एसटीपीज हैं जिनको ठीक ठाक करना है उसमें कहीं सिविल वर्क है ही नहीं, उसमें सीमेंट और स्टील का कोई काम ही नहीं है। लगभग 500 करोड़ रुपये का घोटाला केजरीवाल की सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें सीधे सीधे उनके उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।